सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, सैमसंग के काफ़ी सारे स्मार्टफोन को आज यहाँ पे एक नया FOTA अपडेट मिला है और यहाँ पे जो डिवाइसेज हैं वो काफ़ी सारी सीरीज़ के हैं और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट इन डिवाइसेज में इस नए FOTA अपडेट के बाद किया गया है। काफ़ी सारे ऐसे डिवाइस हैं जिनको यहाँ पे काफ़ी समय बाद, बहुत लंबे समय बाद जो अपडेट है वो मिल रहा है। तो आज इस वीडियो में से बात करूँगा कौन कौन से स्मार्टफोन हैं जिनको फिलहाल एक नया FOTA अपडेट यहाँ पे मिला है और क्या कुछ नए चेंजेस इन स्मार्टफोन में आए हैं नया FOTA अपडेट के बाद, और साथ में बात करूँगा कुछ डिटेल की कि क्या कुछ नए फीचर्स यहाँ पे ऐड किए गए, सारा कुछ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तब इस वीडियो को शुरू से लेकर क्लास तक जरूर देखते रहिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया। चलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं बात करता हूँ सबसे पहले स्मार्टफोन की जिसको कि यहाँ पे एक नया FOTA अपडेट मिला है, तो वो है सैमसंग की J सीरीज का और ये है सैमसंग गैलेक्सी J7 Prime 2। सैमसंग गैलेक्सी J7 Prime 2 को यहाँ पे एक नया FOTA अपडेट मिला है। अगर मैं बात करता हूँ डिटेल की, तो लगभग 57 MB के आसपास की फाइल साइज है और June 2009 का सिक्योरिटी पैच इसे प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ साथ इसकी जो भी इसको इसमें बग वगैरह आ रहे थे, उन सारे बग्स वगैरह को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, जैसा कि अपडेट में यहाँ पे मेंशन है। बात करता हूँ उसके बाद दूसरे स्मार्टफोन की जो कि सैमसंग का है और इसे एक नया FOTA अपडेट मिला है, तो ये है सैमसंग की A सीरीज का और ये डिवाइस है सैमसंग A7 2017 मॉडल। इसको यहाँ पे एक नया FOTA अपडेट मिला है और अगर मैं डिटेल की बात करता हूँ तो वो है लगभग 108 MB के आसपास और इसको यहाँ पे June 2019 का सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड कर दिया गया, जो कि एक लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है। हालांकि सैमसंग अपने काफ़ी सारे स्मार्टफोन को एक यहाँ पे लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। बात करता हूँ उसके बाद अगले स्मार्टफोन की जो कि सैमसंग की A सीरीज का है और ये है सैमसंग A10। तो सैमसंग गैलेक्सी A10 को एक नया FOTA अपडेट मिला है और यहाँ पे जो अपडेट की फाइल है वो अराउंड यहाँ पे 70 MB के आसपास की थी और यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड किया गया है वो June 2019 का सिक्योरिटी पैच यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों, यही थे कुछ स्मार्टफोन जिनको फिलहाल एक नया FOTA अपडेट यहाँ पे मिला है और अगर आप इन स्मार्टफोन को यूज करते हैं तो आप जाकर के अपडेट करिए और बताइए हमें आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह हो रही कि नहीं हो रही, सारा कुछ आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो ऐसा करता हूँ, छोटी जानकारी उसमें आगे होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।